एक और शॉकिंग न्यूज, एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हो गई है। ये काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ मुझे पता चली है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत अब नहीं रहे हमारे बीच में। पंखे से लटककर उनकी मौत हुई है, उन्होंने सुसाइड किया है। फैन से उनकी लटककर उनकी डेड बॉडी पुलिस को मिली है। ये काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ है और इस पर वीडियो बनाने का मेरा एक मोटिव है, एक रीज़न है कि 34 इयर्स की एज, 34 साल की है, जिसमें उस बंदे की इंडस्ट्री में अभी लमसम पैर पसारने ही शुरू किए थे, 3-4 मूवीज ही की थी। आपका MS धोनी हो गया, आपका छिछोरे हो गया, ये सब हो गया, इसमें काफ़ी अच्छा नेम फेम पैसा इन्होंने कमाया। लोगों के मन में एक बात थी कि जब इसके पास नेम है, फेम है, पैसा है, अच्छा खासा नाम है, बड़े से बड़ा लोग, बड़े से बड़ा आदमी सुशांत सिंह राजपूत को जानता है, ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गई थी, ऐसा क्या बर्डन आ गया था कि डेथ, मतलब इतना बड़ा डिसीजन लेना पड़ गया। इसमें क्या है कि नेम फेम पैसा कार ये सब ना मेटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, एक्सटर्नल वर्ल्ड की। एक्सटर्नल वर्ल्ड मीन्स जिन सब चीज़ों को आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, अपनी आंखों से जिन चीज़ों को आप देख सकते हैं उसको एक्सटर्नल वर्ल्ड बोला जाता है। जैसे ये फ़ोन जो है, जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये एक्सटर्नल वर्ल्ड में आ जाती हैं सब चीज़ें, फ़ैन, पंखा, मकान, घर, दुकान, ज़मीन, जायदाद, एनीवे जो भी चीज़ आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, ये सब एक्सटर्नल वर्ल्ड में आ जाती है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि एक्सटर्नल वर्ल्ड से जब आप अटैचमेंट फील करेंगे या एक्सटर्नल वर्ल्ड को आप सोचेंगे कि ये चीज़ मेरी है, मेरी अपनी है, इससे अपनी फीलिंग को अटैच कर देंगे, वहीं पे ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। कार, गाड़ी, घोड़ा, पैसा, ये सब चीज़ें जो हैं वो ज़िंदगी को ईजी करने के लिए हैं, जीवन को आसान करने के लिए हैं, आरामदायक बनाने के लिए हैं, है ना। इनका हैप्पीनेस से दूर दूर तक कोई भी कनेक्शन नहीं है किसी भी तरीके से। देखिए, आप जो खुश होते हैं ना, वो आप इंटरनल खुश होते हैं, अंदर से खुशी होती है। किसी भी चीज़ की अगर आपको खुशी है, वो इंटरनल है, अंदर है। खुशी जो कॉन्सेप्ट है, खुश रहना जो कॉन्सेप्ट है, वो अंदर का कॉन्सेप्ट है, बाहर से इसका कोई लेना देना नहीं है। कल को आप कोई भी नई चीज़ खरीद के लाते हैं, आने में आप कोई शॉपिंग भी करते हैं फ्लिपकार्ट वगैरह पे, तो खुशी क्या है, एक दिन की, उसके बाद कुछ नहीं। आप कुछ भी खाते पीते गए हैं, क्या है वो, एक दिन की खुशी, उस टाइम की खुशी, उसके बाद कुछ नहीं। बेसिकली खुशी जो होती है वो इनर है, अंदर से आती है, और वो अंदर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बाहर की चीज़ें जो है, पैसा, मनी, फेम, नाम, इज्जत, शोहरत, मकान, दुकान, जितनी सब चीज़ें हैं, ये एक्सटर्नल वर्ल्ड की चीज़ें हैं, ये हमारी ज़िंदगी को आसान करने के लिए है, ईजी करने के लिए है, ठीक है। और हैप्पीनेस का इससे कोई भी कहीं से कहीं तक भी कोई कनेक्शन नहीं है। पुलिस बोल रही है कि सुशांत सिंह राजपूत जो थे वो डिप्रेशन में थे। डिप्रेशन में थे ऐसा बोला जा रहा है, और उनका इलाज भी चल रहा था, उनको मेडिसिन वगैरह भी मिल रही थी, वो खा रहे थे, ले रहे थे। एक्चुअली में देखिए, जब भी इंसान एक्सटर्नल चीज़ों को, ठीक है, मतलब जो भारी चीज़ें हैं जिन्हें आप आंखों से देख सकते हो, उनको अपना मानने लगता है, नेम, फेम, मनी, पैसा, इन सब चीज़ों को, जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं, ठीक है, मान सम्मान, दुख, मान सम्मान हो गया, ये सब एक्सटर्नल चीज़ें हैं, तो इनको जब अपना मानने लगता है इंसान, तो क्या पकड़ता है, वो दुख, चिंता, फ्रस्ट्रेशन, ये सब चीज़ें वो पकड़ता है। यानी कि जो दुख, चिंता, फ्रस्ट्रेशन के भाव हैं, वो ये सब पकड़ता है, और तभी वो डिप्रेशन में आ जाता है। और डिप्रेशन में तब आता है, या फिर उसको ऐसा महसूस होने लगता है कि उसकी वजह से किसी को बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा है, या उसकी वजह से किसी ने कुछ गलत काम कर दिया, या फिर उसकी वजह से कोई ऐसा काम हो गया है कि जो नहीं होना चाहिए था, ऐसा उसको लगता है कि उसकी वजह से ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये भी एक डिप्रेशन में आने का एक रीज़न हो जाता है, एक कारण हो जाता है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ये पूरा का पूरा खेल जो है, ये फीलिंग्स का है। देखिए, हमारा पूरा का पूरा जो खेल जो है, ये गेम जो चल रहा है इस दुनिया में, ये पूरा का पूरा खेल जो है फीलिंग्स का है। अगर सुशांत सिंह राजपूत अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर पाता, कंट्रोल अगर नहीं भी कर पाता, तो उन फीलिंग को एक अच्छा डायरेक्शन दे पाता, है ना, उन चीज़ों को, उन फीलिंग्स को अच्छे यूज़ में कर पाता, तो शायद आज सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच में जिंदा होते, है ना, हमसे वो उनकी जो नेक्स्ट मूवी आ रही है उनका वो प्रमोशन करते और हमारे बीच में वो रहते।
क्योंकि आदमी अपनी फीलिंग पे कंट्रोल नहीं कर पाता या फीलिंग्स को संभाल नहीं पाता, तभी वो इस तरीके के काम करता है। सो हम यहाँ पे जो है इस पृथ्वी पे, इस अर्थ पे हम यहाँ पे आए क्यों हैं, इसका देखिए, हम यहाँ पे इस धरती पे जो आए हैं वो अपनी 70-80 साल की, ऑलमोस्ट 80 साल की हमारी जिंदगी है, उस 80 साल की जिंदगी को फुल्ली इंजॉय तरीके से करने के लिए आए हैं। कहने का मतलब ये है कि आप भगवान मानते हो, भगवान अल्लाह या जो भी आप लोग मानते हो, ठीक है, उन्होंने ये धरती बनाई है, पृथ्वी बनाई है, पेड़ पौधे बनाए हैं, ऑक्सीजन बनाई है जिन्हें आप फ्री में यूज़ कर रहे हो, और ये सब चीज़ें हमारे लिए बनाई हुई हैं। वो हमारे लिए उन्होंने क्यों बनाई हैं, इंसान यहाँ पे, इंसान की चेतना इतनी है कि वो सब समझ सकता है कि ये सब चीज़ें हैं, है ना। जानवरों को नहीं पता क्या है क्या है, जानवरों को नहीं पता कौन भगवान क्या है, कौन अल्लाह क्या है, है ना। तो लेकिन इंसानों को पता है अल्लाह कौन है, भगवान कौन है, कौन क्या है। तो जो सब चीज़ें ये भगवान ने आप बनाई हैं, ये सब चीज़ें आपके अनुसार, तो ये सब चीज़ें क्यों बनाई हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें इसलिए बनाई हैं ताकि हम इनका फुल्ली यूज़ कर सकें, फुल्ली इस्तेमाल कर सकें और अपनी ज़िंदगी को फुल्ली जी सकें, ठीक है। इस बात को आप इस तरीके समझिए, जो माँ बाप हैं वो मकान बनाते हैं, दुकान बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें प्रॉपर्टी बना के जाते हैं अपने बच्चों के लिए। क्यों बना के जाते हैं, ताकि उनके बच्चे इन्जॉय कर सकें, आनंद ले सकें। ऐसे ही ऊपर वाले ने हमारे लिए ये सब चीज़ें बनाई हैं धरती, और धरती पे ये सब चीज़ें हमारे लिए बनाई हैं ताकि हम आनंद ले सकें। जो हमारी 70-80 साल की ज़िंदगी है उसमें हम अपने भाव अपना इन्जॉय कर सकें, उस चीज़ों को ना, उस चीज़ों को यूज़ कर सकें, मज़ा ले सकें उस चीज़ों का, ठीक है ना। और मज़ा लेते लेते, उन चीज़ों का इस्तेमाल करते करते जो ऊपर वाले ने हमारे लिए बनाई हैं, उसके साथ साथ हम कुछ क्रिएटिव काम करके जाएँ, ताकि जो आने वाली जनरेशन है उसको हमारे द्वारा कुछ नया मिले, कुछ अच्छा मिले। अब देखिए, एक सिंगर है वो गाने गाता है तो हमारा इन्जॉय होता है, एंटरटेनमेंट होता है। एक एक्टर है जो एक्टिंग करता है तो हमारा एंटरटेनमेंट होता है। एक साइंटिस्ट है, ठीक है, थॉमस अल्वा एडिसन, उसने बल्ब का आविष्कार किया तो हम क्या कर रहे हैं, आज इन्जॉय कर रहे हैं, हम रोशनी में बैठे हुए हैं। तो जितने भी लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, इन्होंने क्रिएटिव किया, क्रिएशन किया और योगदान दिया, हालांकि इन्जॉय किया, फुल जिंदगी जी अपनी, लेकिन कुछ क्रिएटिव करके गए। खाली इन्जॉय नहीं करना है, प्रकृति को कुछ देना भी है। अगर प्रकृति आपको कुछ दे रही है, एंजॉय दे रही है, ऑक्सीजन दे रही है, खाने पीने को दे रही है, सब कुछ दे रही है, तो आपको प्रकृति को इसके बदले में आपको कुछ क्रिएटिव वर्क करके भी यहाँ पे जाना होगा, है ना। ये आपका तात्पर्य भी है और आपका एक हक भी है कि आपको ये करके जाना चाहिए, ये ज़रूरत भी है ना, क्योंकि आप इन्जॉय कर रहे हो। अपने आप को मैटीरियलिस्टिक चीज़ों में मत फंसाओ। कहने का मतलब ये है कि जो एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो मैटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, अपने आप को उन सब चीज़ों में मत फंसाओ, उनसे अपनी फीलिंग्स को अटैच करके मत रखो। देखिए, जिस घर पे आप आज रहते हो ना, वो घर आज आपका है, कल वो घर किसी और का होगा, और आज से 500 साल पहले या 1000 साल पहले किसी राजा महाराजा के पास वो ज़मीन होगी जहाँ पर आपका घर है, ठीक है। तो मैटीरियलिस्टिक चीज़ें जो होती हैं, एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं एक से दूसरे के पास। यानी कि जिस फ़ोन को आप अभी देख रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो, ये फ़ोन आप अपने मम्मी को भी दे सकते हो, अपने पापा को भी दे सकते हो। जिस घर में आप आज रह रहे हो, ये घर आपके पापा का है, ये पापा वो घर पापा आपको भी दे सकते हैं, किसी और को भी दे सकते हैं। तो मैटीरियल चीज़ें हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, एक चीज़ के पास, एक इंसान के पास से दूसरे इंसान के पास। ये एक्सटर्नल वर्ल्ड वाली जो चीज़ें होती हैं ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं, और ये सब चीज़ जो है माया है, है ना। इसके साथ आप अटक के मत रहो, इसकी, इन सब चीज़ों की फीलिंग्स में ना अपना जीवन जो है ख़राब मत करो, बर्बाद मत करो, है ना। ये सब चीज़ें जो हैं इनर जो चीज़ें होती हैं, इंटरनल वर्ल्ड में जो चीज़ें होती हैं वो आपके काम की चीज़ें हैं। खुशी जो होती है वो अंदर से होती है, दुख का जो एहसास होता है वो अंदर से होता है। पूरे शरीर में दुख ढूंढ के बताओ मुझे दुख कहाँ पे है, है ना। पूरे शरीर में खुशी ढूंढ के बताओ मुझे खुशी कहाँ पे है, है ना। लेकिन आप आँख बता सकते हो ये है, नाक बता सकते हो ये है, टीथ ये हैं, ठीक है, गाल ये हैं, बाल ये हैं, लेकिन खुशी दुख ये सब चीज़ें नहीं बता सकते आप कहाँ पे हैं। तो बेसिकली इस वीडियो को यहीं पे एंड अप करते हैं, और बस मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, सुसाइड जो है थोड़ा खतरनाक चीज़ है, तो ये सब चीज़ें सही नहीं है। इंसान जब पूरी तरीके से हार जाता है तभी ये सब काम करता है, या उसके माइंड में वो कुछ चीज़ मान लेता है तभी ये काम करता है। सो ये सब काम आपको नहीं करना है, है ना। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, इतनी कोई भागा दौड़ी भी नहीं है, कहीं घूमने चले जाओ, इधर उधर चले जाओ, अपनी मेमोरी को थोड़ा शांत करो और फिर आप धीरे से अपना सोचो। सो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड अप करते हैं, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप ज़रूर शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता पड़ पाए। देखिए, साइकोलॉजी का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है क्योंकि सोशल मीडिया अटेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और लोगों को इतना खास ज़्यादा साइकोलॉजी का नॉलेज भी नहीं है, तो थोड़ा पता होना चाहिए इंसान को अपने बारे में भी, है ना।
सो चलिए इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस।